हेलो एवरीवन, नमस्कार। कटारी इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत। मैं मुकेश कटारी। पिछली बार आपने देखा था कि यहाँ पर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर टू है उसका पार्ट है, उसकी यूनिट नंबर जो फाइव है उसको लेकर के हम यहाँ पर लाइव क्लास ले रहे थे। आज लाइव क्लास तो नहीं ले पा रहा हूँ, बट उसी सीरीज को कंटिन्यूटी में रखते हैं। पेपर टू है, इसमें हमने प्रशासन को पढ़ लिया है। प्रशासन क्या होता है, लोक प्रशासन, उसका महत्व तो क्या होता है, नेचर क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। इसी में अगला पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन या संगठन जिसे हम कहते हैं। संगठन को लेकर के भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। संगठन डेफिनेशन बताओ, संगठन के टाइप बताओ, इनके बेनिफिट क्या होते हैं, औपचारिक संगठन क्या होता है, अनौपचारिक संगठन क्या होता है, फिर इनके सिद्धांत हैं जैसे हायरार्की, कंट्रोल का जो क्षेत्र रहता है, नियंत्रण का क्षेत्र, वो सारी बातें। तो संगठन को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। प्रशासन होता क्या है, प्रशासन में हमने समझा था कि कॉमन गोल होते हैं, समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक क्रिया है, लोग मिलकर के काम करते हैं। तो प्रशासन एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों के एक समूह के सहकारी प्रयास को कहते हैं। जब अनेक लोग मिलकर के कोई प्रयास करेंगे तो वो प्रयास कैसे पूरा होगा, निश्चित ही है उसमें आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, संगठन करना पड़ेगा, यानी वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, रिक्वायर्ड गोल की प्राप्ति के लिए हमको एक ऐसा ढांचा तैयार करना पड़ेगा जिसमें ये निर्धारित हो सके कि कार्यों का बंटवारा कर सकते हैं, किसको हम जिम्मेदारी दें पॉलिसी बनाने की और किसको हम जिम्मेदारी दें उन पॉलिसियों पर क्रियान्वयन की। तो दूसरे शब्दों में संगठन प्रशासन का वह अनिवार्य तत्व है जो एक निर्धारित उद्देश्यों के लिए मनुष्य, सामग्री और धन के धन में उचित सहायता करता है या उनका उचित समन्वय करता है। कोई भी प्रशासनिक कार्य बिना संगठन के पूरा नहीं हो सकता। डिमॉक और डिमॉक ये थिंकर हैं, विचारक हैं, ये कहते हैं कि संगठन वह बुनियादी औजार है। बुनियादी का मतलब होता है बेसिक, फंडामेंटल टूल है जिसके द्वारा प्रशासन को हम चालू हालत में रख सकते हैं। क्योंकि प्रशासन एक्टिव होता है, इनएक्टिव नहीं होता। प्रशासन जो कि क्रियाशील माना जाता है, ये कोई ऐसे उपदेश नहीं है कि बस लिखे और छोड़ दिए। काम करना होता है प्रशासन को डेली। ठीक, अब परिभाषाओं पर आ जाते हैं। तो प्रशासन की परिभाषा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है प्रशासन, सॉरी संगठन की परिभाषा। संगठन को हम ऑर्गेनाइज बोलते हैं। तो टू ऑर्गेनाइज शब्द का अर्थ होता है तैयार करना या चालू अवस्था में रखना। किसे तैयार करेंगे, किसको चालू अवस्था में रखेंगे, तो लोक हित में जो भी चीज़ें होती हैं उन सब के लिए। इसी संदर्भ में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि हम संगठन को तीन अर्थों में प्रयोग में ला सकते हैं। पहला, प्रशासनिक संरचना का नमूना तैयार करना। दूसरा आता है कि नमूना तैयार करना और उसका निर्माण करना। और तीसरा आता है स्वयं संरचना। पहले प्रशासनिक संरचना, देन स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर स्वयं की भी बात करता है। नहीं क्लियर हुआ, आगे और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, कि संगठन ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइजेशन शब्द से निकला, जिसका अर्थ होता है सांझी गतिविधि में लगे परस्पर निर्भर अंगों का संगठित निकाय। मींस पुलिस एक प्रशासन संगठन है, तो उस संगठन में सभी मिलकर के क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने का काम करते हैं। तो सब एक दूसरे पर निर्भर है। पुलिस में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी आ जाता है, सीआईडी भी आ जाता है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब एक या दो किसी थिंकर की परिभाषा लिख सकते हो, जैसे मुने ने बोला, मुनि या मुने, इनको कैसे भी लिखा जा सकता है, कि एक साझे उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव सभा संगठन का रूप, संघ का रूप ही संगठन है। कॉमन गोल, उसको पूरा करने के लिए जो मनुष्यों का समूह होगा, बस उसी को हम संगठन के नाम से जानते हैं। हार्वर्ड साइमन वो क्या परिभाषित करते हैं, कि संगठन से हमारा आशय होता है सहकारी प्रयोग, मिलजुल करके कार्य करना, कोऑपरेटिव एक्सपेरिमेंट, सुनियोजित व्यवस्था, वेल डिफाइंड सिस्टम जिसमें हर प्रतिभागी की एक स्वीकृत भूमिका, एक अप्रूवल रोल होता है, उसका ड्यूटी होती है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ठीक, तो उसको साइमन संगठन के नाम से जानते हैं। मतलब न समझ में आए तो संगठन को ऐसे तो समझ ही सकते हो ना, कि परिवार को अगर हम एक संगठन माने तो पिता यानी मुखिया की भूमिका अलग है,
माँ उसकी भूमिका अलग है। तो इसी प्रकार से ये तो व्यक्तिगत प्रशासन हुआ, हम सार्वजनिक प्रशासन को लेके चलते हैं ना, तो वहाँ संगठन में हर व्यक्ति के कर्तव्य, उस हर व्यक्ति के जो अधिकार हैं उन्हें कानूनन स्वीकृति दी जाती है। ठीक, एलडी वाइट इसमें तीन बातें बताते हैं कि व्यक्ति, संबद्ध प्रयास और साझा उद्देश्य। संगठन में पहले तो कॉमन गोल होगा, मिलकर काम करेंगे, कौन करेंगे, लोग काम करेंगे। तो आप कोई भी एक परिभाषा जो आपको ठीक लगती है वो इसमें रख सकते हो, सारी परिभाषाओं से कोई लेना देना हमारा नहीं है। ठीक, अब संगठन के टाइप पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एक होता है फॉर्मल या औपचारिक संगठन और दूसरा होता है अनौपचारिक या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। संगठन बनेंगे कैसे, इनका आधार 4P पर काम करेगा, वो हम अगली बार समझेंगे, पर्सन, प्लेस, पर्पस, प्रोसेस। फिलहाल औपचारिक संगठन, औपचारिक शब्द है, इसका मतलब है कि इसको किसी कानून के अंतर्गत, किसी नियम के अंतर्गत, किसी विधान के अंतर्गत बनाया गया होगा, तभी वो औपचारिक है। अनौपचारिक में कोई नियम कानून नहीं होता है, व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार बना लेते हैं। तो इसी को हमें लिखना है कि औपचारिक संगठन जो व्यवस्थित ढंग से नियोजित और रूपांकित किए जाते हैं, जिनको सत्ता, सत्ता का मतलब है कार्य करने का अधिकार मिल जाता है। एक पुलिस कांस्टेबल आपको रोकता है और आप रुक जाते हो, बेशक वो दुबला पतला है, क्योंकि वह सत्ता रखता है, अथॉरिटी रखता है, और कोई दूसरा व्यक्ति रोके तो हो सकता है आप ना भी रुको। ठीक है, तो संगठन औपचारिक, हर्वर्ड साइमन के अनुसार औपचारिक संगठन जो होते हैं ये निश्चित नियमों के तहत बनाए जाते हैं, और उन संगठनों में जो सदस्य होता है उन सब का व्यवहार उन्हीं नियमों के तहत निर्धारित किया जाता है, बिना नियमों के ये काम नहीं करेंगे। तो इनकी विशेषताओं से हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को समझ पाते हैं। पहला, औपचारिक संगठन की विशेषता है कानूनी स्तर। कानूनी स्तर मतलब इन्हें कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, इन्हें विधायिका द्वारा पारित अधिनियम के तहत बनाया जाता है, सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के तहत इन्हें बनाया जाता है, चाहे इंडियन रेलवे हो, चाहे राजस्थान का राज्य पथ परिवहन हो, चाहे एम्स हो, चाहे कोई भी संगठन जो नियमों के तहत बनता है उसमें वैधानिक लेवल आएगा। तो वैधानिक लेवल में कानून के तहत उस संगठन में कार्य करने वालों को अधिकार मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं तो उन अधिकारों को पूरा करने के लिए उनको कुछ और छूट भी मिलेगी। अगर उनके कार्यों में रुकावट बनता है तो इसके लिए भी कोई कानूनी शक्ति होती होगी। तो ऐसे संगठन जो कानूनन बनते हैं इसमें सत्ता का प्रवाह, फ्लो ऑफ अथॉरिटी, ऊपर से नीचे की ओर जाता है। डीएम से नीचे एसडीएम, एसडीएम के नीचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तो सत्ता ऊपर से नीचे की ओर ट्रांसफर होती है। राइट, फॉर्मल संगठन की दूसरी विशेषता है कार्य का विभाजन, डिवीजन। किसका करेंगे कि यहाँ हर व्यक्ति के कार्य अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बांट दिए जाते हैं। कैसे, तो देखो बाहर थोड़ा आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेचता हुआ, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस। अब बाह लॉकडाउन खुल गया है ना, तो वही सारी गतिविधियाँ फिर से स्टार्ट हो गई हैं। तो कार्य विभाजन का मतलब होता है कि कार्यों को एफिशिएंसी से कैसे पूरा करोगे। एक जिले का प्रमुख डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन एक अकेला व्यक्ति तो सब नहीं कर सकता, तो इसकी सहायता के लिए एडीएम बनाए जाते हैं, एसडीएम बनाए जाते हैं, तहसीलदार बनाए जाते हैं, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, तो इन सबको कार्य बांटे जाते हैं, तभी तो पूरा करेंगे। जिले को तहसील में, तहसील के बाद फिर अलग अलग लेवल पर उन्हें निश्चित रूप से, तो ये किस लिए, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इनके कार्यों को स्पष्ट रूप से बंटवारा कर देते हैं। कार्य बटे रहेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। तो संगठन, एलडी वाइट कहते हैं कि कर्मचारियों की ऐसी व्यवस्था है जिसमें ठोस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सबको अलग अलग कार्य और दायित्व सौंप दिए जाते हैं। कलेक्ट्रेट एक संगठन है, ऑफिस है, मगर है तो संगठन ना। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य बटा हुआ है, क्लेरिकल स्टाफ का कार्य बटा हुआ है,
गैजेटेड ऑफिसर के कार्य बटे हुए हैं। अरे भाई आइसक्रीम वाले, बस चला जा, डिस्टर्ब मत कर। तीसरा विशेषता आता है जिसे हम कहते हैं ढांचे की प्रधानता, ढांचा स्ट्रक्चर, और प्रधानता डोमिनेंस। तो औपचारिक संगठन में जो ढांचा है उसको प्रमुखता दी जाती है। ढांचे से मतलब जैसे पुलिस है ना, इसका एक बना हुआ ढांचा है, कैसे इसमें हायरार्की होगी, पद सोपान होगा, ऊपर से नीचे तक अधिकारी सीनियर जूनियर के हिसाब से बटे होंगे। तो उर्विक के अनुसार ढांचा यदि नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे बर्बादी होती है, इससे अराजकता आती है। कौन किसकी बात मानेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, आदेश कहाँ से देंगे, सूचना कहाँ देंगे। इसलिए ये डोमिनेंसी है। मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि पुलिस विभाग में लोग यूनिफॉर्म में एक दूसरे को सैल्यूट करते हैं, तो वो व्यक्ति को सैल्यूट नहीं करते हैं, वो उस पोस्ट के लिए काम करते हैं। ठीक, तो ढांचा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। ढांचे से मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर स्थानीय स्तर पर ये सारी व्यवस्थाएँ बनी होती हैं। अगला आता है जिसमें हम कहते हैं स्थायित्व, स्टेबिलिटी। औपचारिक संगठन की एक प्रमुख विशेषता होती है कि ये संगठन ऐसे नहीं कि आज बनाए कल ख़त्म हो गए। माना कि आप ट्रेन में जर्नी कर रहे थे, दो दिन का सफ़र था, तो यात्रियों के बीच में एक ग्रुप बन जाता है, तो वो ग्रुप ट्रेन ख़त्म हुई, बातचीत आपकी ख़त्म हुई, समाप्त हो गया। लेकिन ये स्टेबिलिटी वाले हैं, ये स्थायी होते हैं, ये नियमों के तहत बनते हैं। तो जब तक उनका पर्पज पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो काम करते रहेंगे। ठीक है, तो संगठन अपने उद्देश्य के लिए निरंतर दीर्घ अवधि के लिए काम करते हैं। जैसे योजना आयोग एक संगठन बनाया गया, 1951 में बना, 2014 तक चलता रहा, है ना। ऐसे ही वित्त मंत्रालय एक संगठन है, गृह मंत्रालय एक संगठन है, ये चलते रहते हैं। तो इनका स्थायित्व तो समय के अनुसार और इनको परिपक्व किए जाते हैं। आज ये सारी आइसक्रीम यहीं बेच करके जाएगा, ऐसा लगता है उसको भी इसी जगह सेल करना है, बट स्वतंत्र भारत। नेक्स्ट, नियम और व्यवस्थाएं। इसमें स्पष्ट रूप से यानी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रूल्स होते हैं, उनके अंतर्गत पूरे संगठन की प्रोसेस, क्रियाओं को बताया जाता है, और उसके आधार पर उसमें कार्य करने वाले लोग अपने अपने कार्यों को संपादित करते हैं। यहाँ व्यक्ति की पसंद या नापसंद के आधार पर काम नहीं होता है कि मुझे मेरा बॉस का चेहरा पसंद नहीं या बॉस को आपका चेहरा पसंद नहीं, तो फिर ऐसे काम नहीं चलता है। यहाँ तो उसी टीम के साथ काम करना पड़ता है, राइट। यानी नियमों के तहत, व्यवस्थाओं के तहत काम किया जाता है। ठीक है, तो औपचारिक संगठन की ये भी विशेषता है। फिर चेतनापूर्ण निर्माण और स्वीकृति, कॉन्शियसनेस जिसे बोलते हैं। औपचारिक संगठन जानबूझकर बनाए जाते हैं, ये ऐसे नहीं होता है कि अनावश्यक बन गए। देश के पूरे प्रशासन को संचालित करने के लिए संविधान बनाया गया, तो संविधान के तहत ही अलग अलग लेवल पे संगठन बनाए। क्यों? लोक कल्याण के लिए, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था देने के लिए, नागरिकों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए। चेतनापूर्वक बनाए जाते हैं, सोच विचार करके बनाए जाते हैं। नीति आयोग बना, योजना आयोग के स्थान पर बना, तो ऐसे ही बना दिया था क्या, है ना। कोई ना कोई इसके पीछे, सब इतनी बड़ी लोग काम करते हैं, उसके आधार पर संगठनों को संबंधित प्राधिकारी से मान्यता मिलती है, यानी अप्रूवल मिलता है। तो इस ढंग से ये भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसमें इमोशंस का कोई लेना देना नहीं कि जैसे छात्रों का संगठन बन गया, MPPSC रिजल्ट नहीं दे रहा है तो इसके लिए बन गया, तो ये संगठन जानबूझ के नहीं होते हैं, ये मोमेंटम बन जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब ऐसे संगठनों के बेनिफिट क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं, तो लाभ भी बता देता हूँ। उसके पहले आप छोटा सा काम कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए सिस्टमेटिक क्लास लेके आ पाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन रहता है कि इसका PDF, तो इसका PDF नीचे आप देखोगे बॉटम में, यहाँ पर एक ईमेल ID फ्लैश होता है, तो उस पर मेल कर सकते हो। दोस्तों ये पेड रहेगा, ये फ्री नहीं रहता है, क्योंकि हमारे भी जो रिसोर्सेस हैं उनको हमें भुगतान करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, उसके लिए कोई समस्या नहीं। ठीक है,
अगला हम देखते हैं इसके बेनिफिट क्या होते हैं। तो औपचारिक संगठन के बेनिफिट विशेषज्ञों ने अनेक बताए, कुछ हम देख लेते हैं 7-8 कि इनके माध्यम से दूरगामी, जटिल, बहुआयामी लक्ष्य सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। भारत जो है, भारत इतना विशाल देश है, विश्व का 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। एक तरफ हिमालय में भी गांव हैं, कन्याकुमारी में भी कुछ लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी रहते हैं। तो ऐसे स्थानों पर सारी सुविधाएं पहुंचाना अनौपचारिक संगठन से संभव नहीं होता है। औपचारिक संगठन अपने उस लक्ष्य को आसानी से पहुंचा सकते हैं। अभी निसर्ग जो साइक्लोन आ रहा है, उसके पहले अम्फन आया था, तो लोगों को वहाँ से विस्थापित किया गया। कोविड-19 चल रहा है, उसमें लोगों को घर तक पहुंचाना, तो ये औपचारिक संगठन से ही पॉसिबल है। दूसरी इसका बेनिफिट है कि कार्मिक के अधिकार, कार्मिक एम्प्लॉय जो संगठन में काम करता है उसे पता है कि मेरी अथॉरिटी क्या है और मेरी लाइबिलिटी क्या है। तो उस, क्योंकि औपचारिक संगठन नियमों के तहत काम करेगा, नियम से बाहर जाओगे तो आप स्वाभाविक सी बात है कि आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इसलिए ये आपस में समन्वय किया जा सकता है। फिर यहाँ क्या होता है, अव्यक्तिगत और तटस्थ संबंध। जो संगठन नियमों के आधार पर काम करेगा वो किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। आप बैंक में पैसा जमा कराने गए या निकालने गए, हो सकता है वहाँ जो कैशियर था आज दूसरा है, कल दूसरा आ जाए, तो उससे आपका काम तो नहीं रुकता ना। आपको उस पर्सन से लेना देना नहीं, आप उस पोस्ट से संबंधित हो और वो भी आपसे कोई मतलब नहीं रखता है। उसका काम है कि डॉन डॉक्यूमेंट ऑन रूल के तहत आपका कार्य करना। तो ऐसे बायस्ड जो पक्षपात हो सकता है उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते ना कि देखो आप मेरा काम नहीं कर रहे हो। नहीं, हम आपका काम नहीं कर रहे हैं इससे मतलब नहीं। यदि आपका काम नियमों के दायरे में आता है तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए द्वेष की समाप्ति हो जाती है। अगला लाभ आ जाता है कि संगठन के कार्यों की गति प्रायः तेज रहती है। ऑब्वियसली स्वाभाविक बात है, औपचारिक संगठन है, तो जैसे एक मध्य प्रदेश सेवा गारंटी अधिनियम आ गया, अब उसमें निश्चित समय सीमा के अंदर आपको ये सेवा प्रदान करनी है तो करनी है, राइट। इसके बाद किसी भी कार्य में रुकावट आने पर, फैल होने पर, क्यों ऐसा नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार होगा, ये हम खोज सकते हैं ना औपचारिक संगठन में कि भाई आखिर ड्यूटी किसकी थी ये काम पूरा करने की, नहीं किया है तो एक्शन किसके खिलाफ होगा। इसीलिए तो लोगों को क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा औपचारिक संगठन से मशीन, मनुष्य, सामग्री, वित्त, तकनीक, इन सारे संसाधनों का समुचित उपयोग जो है संभव हो पाता है। औपचारिक संगठन है तो हम व्यक्ति की क्षमता के हिसाब से नहीं, हमें तो सारा पूरे देश में बैलेंस डेवलपमेंट करना है, तो इस ढंग से इनका बंटवारा किया जाता है। फिर संगठनात्मक कुशलता, एफिशिएंसी जिसे हम बोलते हैं, इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, उपादेयता का स्तर, उपादेयता मतलब अकाउंटेबिलिटी भी कह सकते हैं, तो ये हाई लेवल पे बनी रहती है। कानूनी आधार होता है, स्पष्ट कार्य होता है, स्टेबिलिटी होती है, तो व्यक्ति परेशान नहीं होता है कि मैं इस संगठन में काम कर रहा हूँ, पता नहीं ये संगठन कब तक रहेगा, हमेशा रहेगा। तो ऐसे कुछ बेनिफिट आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक। इसके अलावा औपचारिक नियम होते हैं, यहाँ एक्सपर्टाइजेशन को भी महत्व मिलता है, रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन खोजे जाते हैं। तो ऐसे ढेरों आप इसमें बेनिफिट अपनी तरफ से भी इनको शब्दों का जाल दे करके लिख सकते हो। तो औपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन की विशेषताएं, औपचारिक संगठन से होने वाले लाभ, अब इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, हानियां भी हैं या कमियां भी हैं या इनकी लिमिटेशंस भी हैं। एक ही चीज़ को हम कई तरीके से दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। अब इनके कुछ नुकसान कि औपचारिक संगठन ये क्या करता है, नियमों को महत्व देता है, रूल को महत्व देता है, वो मनुष्य को महत्व देता ही नहीं है। वो ये भूल जाता है कि आखिर ये संविधान, आखिर ये संगठन व्यवस्था बनाई किसके लिए, मनुष्य के लिए बनाई है ना। जैसे एक व्यक्ति है, बुजुर्ग है, बीमार है, उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है और उसको मेडिकल सहायता चाहिए। अब सरकार का नियम ये बना है कि यदि वो SC/ST कैटेगरी का है तब तो मेडिकल सहायता दे सकते हैं, उसकी बाकी अन्य कंडीशन तो हैं कि बुजुर्ग है, वृद्ध है, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, बट वो जनरल का है, तो क्या होगा, नियमों के तहत इसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो औपचारिक संगठन लाभ दे भी नहीं पाएगा। तो इसमें मानवीय
जो पॉइंट होता है, ह्यूमन जो वैल्यूज होते हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। 10 से 5 की नौकरी करना है, अगर कोई 5:05 पे पहुंचा तो क्लोज, अब हम आपका काम नहीं करेंगे, कल आइए। देखते हैं ना आप, ऐसा लंच टाइम हो गया, अब हम आपका काम नहीं करेंगे। हो सकता है वो इमरजेंसी में आया हो, उतना समय निकाल कर रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया हो, अन्य कोई कारण हो। तो यहाँ मानवीय संवेदनाएं जो हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, मशीन की तरह व्यक्ति काम करता है। तो मशीनी स्वभाव अपनाने के कारण क्या, इनिशिएट करना, यानी किसी कार्य को यदि हम और अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए हम अपना कोई और तरीका भी अपना सकते हैं, मगर ये नियमों के तहत बंधे हुए हैं, तो जो नियम है वैसा ही काम करेंगे, नया इनोवेशन नहीं कर सकते। COVID-19 में, आयुर्वेद में, आयुष में कई सारे लोगों ने परमिशन मांगी, लेकिन नियमों के तहत बंधे होने के कारण उनको परमिशन नहीं दी गई। तो यहाँ ऐसे इंस्पिरेशन, ऐसे इनोवेशन, उनको कोई स्थान नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरी बात, औपचारिक संगठन होता है तो ब्यूरोक्रेसी, यानी ये लोग अपने आप को अधिकारी, बड़े बॉस मानने लगते हैं, सरकार मानने लगते हैं, शाह मानने लगते हैं, तो लाल फीताशाही है ना, रेड टेपिज्म, पद का अहंकार, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। घटनाएं घटित देखी होंगी कि यहाँ पर DM साहब साहिबा जनता को थप्पड़ मारने लगते हैं, तो ऐसी सब चीज़ें, ये क्या होती हैं, ये औपचारिक संगठन की कमियां हैं। उनमें एक एक विशेष प्रकार का एक घमंड आ जाता है कि नहीं, हम तो ये अधिकारी हैं और तुम तो कुछ भी नहीं हो, राइट। तो औपचारिक संरचना नियम व्यवस्था के कारण ये बाधा उत्पन्न कर देती है तीव्र गति से काम करने के लिए। जैसे समझना कि एक जिले में एक SDM है और उसी में दूसरा SDM भी है, इसको आपस में बात करके कोई फाइल आदान प्रदान कर सकता है, बट नहीं कर सकते, इनको पहले DM को और DM फिर इनको। तो ये क्या होता है, ये काफ़ी इसमें ऑब्स्टेकल, रुकावट बनते हैं, निर्धारित नियम, अधिकार, दायित्व, कार्य की व्यवस्था के कारण अनेक बारी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि हम बात किसकी करें। जैसे हुआ क्या कि कभी किसी ने कार्मिक को ये बोल दिया कि आप ये काम करना है, लेकिन कर्मचारी कहता है कि चूंकि ये मेरा काम ही नहीं है, मैं नहीं करूँगा। स्पष्ट रूप से अब उसके लिए फाइल बुलवाओ, नियमों को देखो, तब तो संघर्ष भी इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन कारणों से सत्ता का दुरुपयोग भी करने लगते हैं व्यक्तिगत हितों पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बुराई के रूप में है ना, और भी इसमें पॉइंट हैं कि जड़ता आ जाती है, इसमें कठोरता का समावेश हो जाता है, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बदल नहीं पाते हैं, और जो काम करने वाले जो कार्मिक हैं औपचारिक संगठन में, उनका दृष्टिकोण बहुत ही नैरो हो जाता है, संकुचित हो जाता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में आप देखोगे वहाँ पर क्या होता है कि अगर उस रिसेप्शन पे कोई नहीं है तो कोई भी आकर के अटेंड करता है। आप ऐसा सरकारी औपचारिक संगठनों में ऐसा नहीं देख सकते, बाबूजी नहीं है तो अब आपका काम होगा ही नहीं, वो कहाँ है, छुट्टी पर है तो छुट्टी पर है, राइट। तो ऐसे करके फॉर्मल संगठन की अपनी अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी सामने आ जाती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अनौपचारिक संगठन, जैसे औपचारिक संगठन निश्चित नियमों, विधान, कानून जानबूझकर बनाए जाते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो किसी औपचारिक संगठन में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्तियों के बीच अपने आप से बनने लगते हैं। कैसे, अगर उनके विचार मिलते हैं, उनकी पसंद नापसंद, उनकी जिज्ञासाएं, समस्याएं, भावनाएं, तो इस आधार पर जो समूह बनता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, लंच टाइम में कैंटीन में बैठकर खाना खाते हैं, बातचीत करने लगे, वहाँ पर संगठन बन गया। सुबह घूमने जाते थे, सभी लोग एक जगह मिलने लगे, संगठन बन गया। ठीक है, बस में यात्रा करना, ट्रेन में यात्रा करना, तो ये जो संगठन है इन्हें हम इनफॉर्मल कहते हैं, चाहे एक क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, चाहे एक जैसे आर्ट वाले हो, राइट। तो ये बनते संगठन औपचारिक संगठन के अंदर ही है, इनका कोई कानून, कोई नियम, कोई ऐसा ढांचा नहीं है, कोई विधान संविधान नहीं है, ये तो सिर्फ एक ही आधार पर बनते हैं, मानवीय संबंधों के आधार पर। क्लियर है ना ये बात। तो अनौपचारिक संगठन को परिभाषित करते हैं कीथ डेविस, वो कहते हैं
एक डेफिनेशन सफिशियंट होती है। यह है व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों का ऐसा जाल है जिसे स्थापित करने के लिए किसी औपचारिक संगठन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इनकी भी विशेषताएं देखी जा सकती हैं, जैसे हमने फॉर्मल की देखी थी तो इनकी भी देख सकते हैं। पहला, स्वतः निर्माण, ये अपने आप बन जाते हैं। इन संगठनों के सदस्य आपस में मिलते जुलते एक समूह बना लेते हैं, इनके लिए कोई कॉन्शियसनेस या विधिवत प्रयास नहीं किया जाता है। ये मानवीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, कल्याणकारी आधारों पर बनते हैं और अस्थायी प्रकृति के होते हैं। दूसरी विशेषता है समान मान्यताएं। ठीक है, अनौपचारिक संगठन बनेंगे तो एक जैसे विचारों वाले लोग ही तो बनाएंगे। ऐसा तो नहीं ना कि अलग अलग विचार के लोग, अलग अलग विचार के लोग संगठन थोड़ी बनाएंगे, उनमें तो झगड़े होंगे। तो इनकी जो मान्यताएं हैं वो एक जैसी होती है। छात्रों का संगठन हो गया या बुद्धिजीवियों का संगठन हो गया, है ना, जैसे इन बातों को। अनौपचारिक नियम होते हैं, इनमें कोई ऐसा निश्चित नियम नहीं होगा। यहाँ जो हैं सब एक लेवल के हैं। यहाँ पदसोपान हायरार्की जैसा सिस्टम नहीं कि डीएम का अधीनस्थ एडीएम होगा, उसके नीचे एसडीएम आएगा। नहीं, इसमें अगर कोई 13 साल की उम्र का सदस्य है और एक 70 साल की उम्र का है तो दोनों बराबर है। सिर्फ सम्मान दे सकता है कि हाँ ये बुजुर्ग हैं। और नियमों का उल्लंघन करने पर यहाँ पर क्या था, कठोर दंड दिए जा सकते थे, टर्मिनेट कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं, पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। बट ऐसा इसमें नहीं होता। यहाँ यदि कोई नियमों का उल्लंघन कर भी लेता है तो नियम उनके बनाए हुए हैं, आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य से फिर उसको सुधारने की कोशिश की जाती है। नेतृत्व की विशिष्ट शैली, लीडरशिप, औपचारिक में नेतृत्व नियमों के आधार पर है। आपका जूनियर प्रमोशन होके बन गया है, रिजर्वेशन कैटेगरी का है, तो अब वो आपका बॉस है, आपको उसकी बात मानना पड़ेगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ नेतृत्व कैसे बनता है, आपसी सहमति से बनता है। जो वास्तव में लीड करे तभी वो नेतृत्व बनता है, जो सभी सदस्यों का ध्यान रखे, उसमें वो गुण आते हैं तब, है ना। यहाँ नेतृत्व करेगा तो ऐसा नहीं कि नेता है उसकी बात अब मानेंगे ही नहीं, उसकी बात अच्छी है इसलिए माना जाता है, पसंद के आधार पर। अनौपचारिक संगठन में अगला पॉइंट आता है सामूहिकता, कि अनौपचारिक संगठन मिलजुल कर काम करते हैं, इसमें सभी लोग एक जैसा काम करते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, जैसे कि होता है ना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सारा सबकी जिम्मेदारी है, सब मिलकर के काम करते हैं। ठीक, अब इसके लाभ क्या होते हैं अनौपचारिक संगठन के, बेनिफिट्स, एडवांटेज, तो इनके भी लाभ हैं कि अनौपचारिक संगठन मनोरंजन, विचार विमर्श, तनाव मुक्ति के साधन है। व्यक्ति दिन भर काम करेगा, औपचारिक संगठन में नियमों से बना हुआ है, तन और आदेशों से बना हुआ है, कहीं कोई गलती ना हो जाए, जनता का भी दबाव है। ऐसे समय ये जो संगठन है उस पूरे प्रेशर को रिलीफ करते हैं, रिलीज करते हैं, तो तनाव मुक्ति के ये एक बड़े अच्छे साधन है। फिर कार्मिकों की सुरक्षा, अपनत्व, संतुष्टि, प्रेम, साहचर्य की स्वाभाविक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। आपका बॉस आपके यहाँ किसी फंक्शन पर आ जाता है तो ये कोई औपचारिक नहीं था, अनौपचारिक था। मेलजोल बढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, चलो हम उस संगठन में नौकर की तरह काम नहीं करते, हम भी उसके कार्मिक हैं, राइट। तो ये सारी जो मानवीय संवेदनाएं हैं, भावनात्मक जो आवश्यकताएं हैं, अनौपचारिक संगठनों से पूरी होती हैं। अनौपचारिक विधि से संचार कार्य हो जाता है, कि जैसे अगर किसी एक एसडीएम को दूसरे एसडीएम से कार्य लेना है तो एक तो फॉर्मल नेटवर्क है कि आप प्रॉपर भेजाओ, दूसरा अगर वो आपका परिचित है तो आपको फ़ोन लगा करके भी उससे जानकारी ले सकते हो, तो कितना स्पीड से काम हुआ। ठीक है, औपचारिक संगठन में कभी कभी विवाद, संघर्ष हो जाता है, लेकिन यदि अनौपचारिक रूप से वो लोग मिलते जुलते हैं तो आसानी से उनमें इस समझौते हो जाते हैं। ठीक है, कई बार अनौपचारिक संगठन औपचारिक कार्यों में सहायता ही पहुंचाते हैं, क्योंकि जिससे दूसरे के अनुभव, दूसरे के कार्यकारिणी की शैली, उसका लाभ सभी ले पाते हैं। ठीक है, इनमें सहयोग की भावना, समन्वय की भावना, त्याग की भावना, और ये मजबूत करता है, ये लाभ की बातें हैं।
इनमें सांस्कृतिक मूल्य हैं, आदर्श हैं, परंपराएं हैं, तो इनसे हमारे ये सब भारतीय जो विरासत है उनकी रक्षा होती है। औपचारिक संगठन जो कठोरता और जटिलता से हैं, ये सहजता से, बिल्कुल सिंप्लिसिटी से काम करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, औपचारिक संगठन में कर्मचारी को संकट आपातकालीन, तो उस समय इससे उसको सहायता मिलती है, किसी की दुर्घटना हो गई तो सब मिलकर उसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छी बातों के साथ साथ बुराइयां हर समय रहती हैं, जिसके डिसएडवांटेज भी हैं। क्या कि देखो, अनौपचारिक संगठन में सूचना का आदान प्रदान तेजी से होता है, बट ये सूचना आधी अधूरी, गलत, भ्रामक हो सकती है। व्यक्ति अपने हिसाब से उसमें मिर्ची मसाला नमक जोड़ देता है ना, तो इसे अफवाहें, र्यूमर्स पैदा हो जाते हैं, जो बात थी ही नहीं और बात वो फैल गई, तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। उस आधार पर कई बार पूरे के पूरे समाज के लिए भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। अनौपचारिक संगठन किन्हीं मूल्य और मान्यताओं के प्रसार हेतु गठित किए जाते हैं? बहुत से संगठन सुधारात्मक प्रक्रियाओं या परिवर्तन का विरोध कर देते हैं। कोविड 19 के दौरान इसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी थी, लेकिन कैसे प्रचारित किया गया कि नहीं, कई सारे मौलाना थे ना जो भाषण देते थे कि नमाज पढ़ने का अधिकार छीना जा रहा है, तो ऐसे संगठन कभी का क्या होते हैं कि माहौल को दूषित कर देते हैं। एक मौलाना नहीं, ऐसे कई सारे लोग रहते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना, अदरवाइज ना लें इसको। तो इन संगठन के सदस्यों में व्यवहार जो रहता है, तो वो व्यवहार कैसा होता है? आपसी आधार पर होता है। तो कई बार ऐसे भी कुछ मेंबर होते हैं जो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, तो दूसरे लोग उनको दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ऐसे संगठन की कमी है, ये अस्थाई है, ये परमानेंट तो चलेंगे नहीं, तो जब अस्थाई हैं तो इनका उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। ठीक, और कई बार औपचारिक और अनौपचारिक, जैसे एक IAS बने हुए हो आप या राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्य हो, और दूसरा आपका एक संगठन वहाँ पर जिस कॉलोनी में रहते हो वहाँ पर बन गया है, तो इनकी वजह से घर में इतना तनाव हो जाता है कि कर्मचारियों के बीच मनमुटाव भी आ जाता है। जाति, भाषा, लिंग, इन सब के आधार पर एक दूसरे के प्रति आक्षेप भी लगाते हैं, ये बुराइयाँ भी आ जाती हैं। अनौपचारिक संगठन कई बार अपने सदस्यों को कुछ विशेष निर्देश देते हैं और उससे संगठन में उत्पादन में कमी की जाती है। जैसे होता है ना, बड़ी कोई फैक्ट्री है तो कोई अच्छे से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, 10 से 5 की नौकरी, 8 घंटे वो पूरा काम करता है, तो दूसरे लोग बोलते हैं अरे ये बहुत ज़्यादा काम करने वाला हो गया है, ये बॉस का चमचा हो गया है, तो उसके प्रदर्शन में भी रुकावट डालने का काम करते हैं, अनावश्यक स्ट्राइक पे चले जाओ अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए, राइट। तो ऐसी सारी चीज़ें जो थी, ये हम इनको कह सकते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, आज आपसे कभी पूछा जाए कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बताओ, तो ये डिफरेंस के लिए सबसे अच्छी एक टेबल बना के दी गई है, इसको यदि आपने रट लिया तो आप कभी भी अंतर बता सकते हो, है ना। पहला कॉलम ये आधार बताएगा कि किस आधार पर अंतर करेंगे, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। निर्माण को लेकर के औपचारिक ये चेतनापूर्वक बनाए जाते हैं, नियमों के तहत बनाए जाते हैं, अधिकारियों के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। अनौपचारिक ये मानवीय संबंधों के आधार पर बन जाते हैं। आकार को लेकर बात करें तो औपचारिक संगठन बड़े होते हैं और ये छोटे होते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कार्य उनको पूरा करना, और इनका उद्देश्य है कि हमारी जो भावनात्मक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना। स्थायित्व की दृष्टि से देखें, ये स्थायी होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। अगर इनमें हम प्रमुखता की बात करें तो औपचारिक संगठन में जो उसकी संरचना बनाई जाती है उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है, हायरार्की पर बल देंगे, लेकिन यहाँ संरचना पर बल नहीं देते, यहाँ भावनाओं पर या व्यक्ति पर बल देते हैं। नियमों की बात करें, इनके नियम लिखित में होते हैं, स्पष्ट होते हैं, और यहाँ कोई नियम नहीं होते हैं ऐसा लिखित में हो, ये तो आवश्यकता अनुसार बना दिए जाते हैं। आपसी समझ की बात करें तो इन सभी सदस्यों की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन नियमों के तहत इनकी कार्यप्रणाली है, और इन सबकी जो राय है एक जैसी होगी तभी तो संगठन बनेगा, राइट। तो ये 7-8 पॉइंट के आधार पर आप ऐसे ही अंतर लिख सकते हो और ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, राइट।
कटारे इंस्टीट्यूट के वो स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लास में अभी क्लास बंद होने की वजह से नहीं आ रहे हैं, ये नोट्स उनको उनके ईमेल व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अन्य स्टूडेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। वीडियो को आप लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अनअकेडमी पर मेरी क्लासेस रहती हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुकेश कटारे कोड यूज करने पर 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आज के लिए, कल फिर हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे।